अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास ऑफ मैथमेटिक्स। आई एम सीरत अली, योर मैथ्स टीचर। आज के बेटा इस लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे 2.11 एक्सरसाइज को, और इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन अगर हम पढ़ें वो हमारे पास यहाँ पर ये है कि आपने फैक्टराइज करना है, फैक्टराइज आपने करना है सिंपल, ठीक है। और क्वेश्चन हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हमारे पास क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पर क्वेश्चन को ऑब्जर्व करें तो आपके पास जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं इट्स अ फार्मूला, ठीक है। और फार्मूला कौन सा है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये फार्मूला बनता है a प्लस बी होल स्क्वायर का, ठीक है। तो इसको आपने क्लोज कर देना है। सो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ठीक है। ये जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं ये एक्सपेंडेड फॉर्म है किसकी, ए प्लस बी होल स्क्वायर की, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास आएगा माइनस सी स्क्वायर। अब ये भी स्क्वायर टर्म है और ये भी स्क्वायर टर्म है, और इनके दरमियान में साइन नेगेटिव का है। तो फार्मूला आपने जो यहाँ पर अप्लाई करना है वो फार्मूला कौन सा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। अब आपने ये वाला फार्मूला इस पर ओपन करना है। तो ए हमारे पास क्या है, ए हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर टर्म है विच इज ए प्लस बी, इसमें आप ऐड करेंगे पहले यानी कि प्लस करेंगे बी जो कि सेकंड स्क्वायर टर्म, सी हमारे पास यहाँ पर है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करें यानी कि फर्स्ट टर्म हमारे पास है ए प्लस बी और माइनस सेकेंड टर्म है सी, ये इसका हमारे पास यानी कि फाइनल आंसर इस तरह ये सॉल्व होगा। यानी कि इस इन क्वेश्चंस के अंदर आपने दो फार्मूलाज यूज़ करने होंगे, पहले होल स्क्वायर वाला, उसके बाद आपने उसके बाद इसमें जो सब्ट्रैक्शन वाला फार्मूला है वो आपने यूज़ करना होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसको अब सॉल्व करें तो वो हमारे पास है ए स्क्वायर प्लस 6ab प्लस 9b स्क्वायर, क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ ए स्क्वायर प्लस 6ab एंड प्लस 9b स्क्वायर एंड देन है माइनस 16c स्क्वायर, ठीक है। ओके, तो आपने अगेन यहाँ पे देखें जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है वहाँ पे होल स्क्वायर का फार्मूला क्लोज होगा, वो कैसे होगा, पहले आप इसको शेप बना लें, ठीक है, उस फॉर्म में कन्वर्ट कर लें। a हमारे पास इटसेल्फ अपना स्क्वायर होता है, अब ये जो 9b स्क्वायर है इट्स अ स्क्वायर ऑफ 3b, ठीक है। अब यहाँ पे आप लिखें प्लस 2 टाइम्स ए हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर टर्म विच इज ए और बी हमारे पास है 3b सेकंड स्क्वायर टर्म, ओके। इसको आप अभी वैसे ही डाउन कर लें, ठीक है, या आप इसको लिख लें आप 4c होल स्क्वायर में, ठीक है। अब जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं ये फार्मूला क्लोज यहाँ पर करेंगी किसका, ए हमारे पास क्या फर्स्ट टर्म विच इज ए ही है और प्लस आएगा बी हमारे पास 3b, तो इसका बन गया होल स्केयर, ठीक है। ये आपने जो फर्स्ट थ्री टर्म्स है उन पे फार्मूला क्लोज कर दिए। अब उसके बाद ये टर्म आपकी वैसे की वैसे ही यहाँ पे आ जाएगी होल स्केयर, ठीक है। अब ये हमारे पास a है और ये b है, तो इस पे अगेन आपने ये वाला ही फार्मूला अप्लाई कर देना है। तो एक बार प्लस करेंगे और एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। a हमारे पास है a प्लस 3b और इसमें प्लस होगा b सेकेंड टर्म जो कि 4c है। अब उसके बाद आप सब्ट्रैक्ट करेंगे a प्लस 3b माइनस 4c, ठीक है। यानी कि पहले आपने इनको प्लस किया फिर आपने इनको सब्ट्रैक्ट कर दिया, दैट्स इट। अब इसके बाद हमारे पास जो इसका थर्ड पार्ट है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये आपका क्वेश्चन सिमिलर है, इजी है, ठीक है, वैसा ही है फर्स्ट पार्ट की तरह ही ऑलमोस्ट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और इसके साथ हमें यहाँ पर टर्म गिवन है प्लस 9 माइनस 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है। अब जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं आप अगर देखें उनको ऑब्जर्व करें तो बात है कि ये चाहे आप 2ab को लिखें दरमियान में या थर्ड प्लेस पे लिख रहे हैं, बात एक ये फ़र्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे आपके पास ये फार्मूला क्लोज हो रहा है a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो इसको आप लिख लें यहाँ पर a प्लस बी
होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर बनता है किसका, 3ab होल स्क्वायर का, यानी कि 9 इज द स्क्वायर ऑफ 3 और ए स्क्वायर बी स्क्वायर का आपने स्क्वायर बाहर होल में फॉर्म में कन्वर्ट कर देना है। अब ये हमारे पास दोनों स्क्वायर टर्म है और साइन दरमियान में नेगेटिव का है, तो आपने अगेन प्रीवियस फार्मूला हमने यूज़ किया था, अगेन आपने यहाँ पर वही यूज़ करना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ए हमारे पास क्या है, फर्स्ट स्क्वायर टर्म विच इज ए प्लस बी, ए प्लस बी इसमें पहले आप प्लस करेंगे बी जो कि सेकेंड टर्म स्क्वायर टर्म है, 3ab। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट करें, बस यहाँ पे प्लस की बजाय आएगा साइन नेगेटिव का, ए प्लस बी हमारे पास ए या फर्स्ट स्क्वायर टर्म माइनस सेकेंड स्क्वायर टर्म है 3ab। ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ चुका है। ठीक है, ओके, इसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इसके फोर्थ पार्ट की, वो हमारे पास है एक्स स्क्वायर माइनस 4xy, एक्स स्क्वायर माइनस 4xy प्लस 4y स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन हमारे पास है। अब अगर आप देखें हमारे पास फर्स्ट थ्री टर्म्स अगेन उस पर फार्मूला क्लोज हो रहा है, पहले आपने इसको शेप देनी है, वो हमारे पास आएगी एक्स होल स्क्वायर, 4y स्क्वायर होता है 2y होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा माइनस 2 फार्मूले का, a हमारे पास फर्स्ट स्क्वायर टर्म जो कि x है और b हमारे पास है 2y, और ये होता है स्क्वायर हमारे पास 3xy का होल, आप स्क्वायर इसको लिख ले। ठीक है, अब ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा नेगेटिव का, बिकॉज यहाँ पे साइन नेगेटिव है। ठीक है, और a हमारे पास x है और b क्या 2y है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर जो स्क्वायर टर्म्स है उनका फार्मूला क्लोज कर देना है विद नेगेटिव साइन, यहाँ पे a हमारे पास x है और b क्या है 2y है, और यहाँ पे आएगा माइनस 3xy। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर, अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने अगेन ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, एक बार प्लस करेंगे और एक बार सब्ट्रैक करेंगे, बिकॉज यहाँ पर है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसको ओपन करें तो ए प्लस भी आता है और ए माइनस भी आता है। ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा सिंपल, यहाँ पर ए हमारे पास क्या है एक्स माइनस 2y, प्लस करें इसमें 3xy को, अब सब्ट्रैक करें। ठीक है, ए हमारे पास अगेन है एक्स माइनस 2y, माइनस आएगा अब 3xy, ये इसका फाइनल रिजल्ट बन चुका है। ठीक है, अब इसके बाद लास्ट टू पार्ट्स रह गए हैं, इनको आपने बेटा खुद सॉल्व करना है, बल्कि स्पेशली जो लास्ट सिक्स पार्ट है उसको हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं, बिकॉज फिफ्थ पार्ट तो आप सॉल्व कर लेंगे, सिक्स पार्ट को हम यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, हम आपके पास यहाँ पर क्वेश्चन सिक्स की अगर हम बात करें, ये हमारे पास है कि आपके पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b और माइनस 4 है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर सिक्स हमारे पास है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4b माइनस 4, इसको हमने फैक्टराइज करना है। ठीक है, अब हमारे पास ऐसा नहीं होता कि आपके पास हमेशा जो फर्स्ट थ्री टर्म्स हैं उन पे आपने फार्मूला क्लोज करना है, पॉसिबल है किसी और की पेयरिंग भी आप कर हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे आपने पेयरिंग करनी है बी स्क्वायर माइनस 4b और माइनस 4 की। ठीक है, उसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो सिंपल टर्म है 4b है सिंपल, यहाँ पर इसके साथ a नहीं है। ठीक है, तो अगर आपके पास जो सिंपल टर्म होगी विदाउट स्क्वायर, ठीक है, आपने उसका फार्मूला क्लोज करना है हमेशा। ठीक है, तो ये आप बात अंडरस्टैंड करेंगे, याद करेंगे कि जो टर्म सिंपल है जिसका स्क्वायर नहीं है आपने उसका फार्मूला क्लोज करना है। ठीक है, अब इसको आप ए स्क्वायर को लिखें वैसे एज इट इज स्टार्ट के अंदर ए स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से आप चाहें तो कॉमन लें नेगेटिव सबसे, तो ये बनेगा बी स्क्वायर प्लस 4b और प्लस 4 आ जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर जो हमारे पास टर्म्स हैं इनके ऊपर आप फार्मूला अप्लाई करें तो ये हमारे पास फॉर्म बनेगी ए स्क्वायर माइनस, अच्छा बी होगा अपना स्क्वायर होल स्क्वायर, और 4 बनता है 2 स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा प्लस 2, ए हमारे पास है फर्स्ट स्क्वायर टर्म जो कि बी है, और सेकेंड स्क्वायर टर्म हमारे पास 2 है, तो ये हमारे पास फार्मूला क्लोज होगा बी प्लस 2 होल स्क्वायर का। सो ए स्क्वायर माइनस बी प्लस 2 होल स्क्वायर, यानी कि इसको आप क्लोज करेंगे तो ये फॉर्म बनेगी। अब
इस पे आपने फिर से फार्मूला अप्लाई करना है, वो हमारे पास क्या है, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और ये सेकंड टर्म का स्क्वायर है, साइन दरमियान में नेगेटिव है, तो आपने अगेन जो फार्मूला हमारे पास है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये वाला अप्लाई करना है। एक बार इनको प्लस करेंगे और एक बार इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा, ए हमारे पास फर्स्ट टर्म है ए, प्लस करेंगे इसमें सेकेंड टर्म जो कि बी प्लस टू है, ठीक है। अभी हमने इनको प्लस किया है, अब इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे ए माइनस बी प्लस टू, ठीक है। अब जो इनसाइड ब्रैकेट है उनको आप ऑफ कर दें, ठीक है। यहाँ पे साइन प्लस का है बिटवीन, तो एज सच कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस बी प्लस टू ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे पास देखें साइन बाहर नेगेटिव है, तो अंदर हर टर्म के आपने साइन चेंज कर देने, तो ए माइनस बी आएगा और माइनस टू आएगा। तो ये हमारे पास आ चुका है फाइनल रिजल्ट या फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। आई होप सो कि आपको इनकी क्वेश्चंस की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी होगी। अब हम नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे 2.12, तब तक के लिए हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।